नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसी हो आप सब? आशा करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मैंने दिन भर कोई वीडियो शूट नहीं किया और कर रही हूँ अब रात के टाइम से। रात के बजे हैं 8:30 और मैं शाम के खाने में बना रही हूँ आलू की कचौरी। बच्चों की फरमाइश थी तो मैं ये सब कुछ आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि हनी को ले रही थी ना, बीच बीच में ये सब कुछ करती रहती हूँ और हनी को लेके ये सब कुछ करना पड़ता है। तो अब मेरे तीनों बच्चे खाना खा रहे हैं और मैं इधर बना रही हूँ। तो ये मैंने बना के रख दी है, ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। 5 पूरी दे दो। पूरी इधर तो मैंने बना दिया है 5 पूरी, और इधर ही ये बाकी है, क्योंकि शाम का टाइम है ना, इतना ज्यादा तो खाना खाया नहीं जाता, और वैसे भी ये तला हुआ है तो ये कम ही खाया जाएगा, तो मैंने थोड़ा ही बनाया था। और देखिए मेरी हनी कैसे अपने भैया के पास बैठ के कैसे खा रही। और मेरी हनी की तबीयत बहुत पहले से बहुत ठीक है। ये भी तो है मिस्टी बेटा, गर्म और इसे ना ज्यादा दही से मत दियो। हाँ खा ले बेटा। आ मेरे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तीनों बैठे। ये बड़ा, ये बीच का, ये सबसे छोटा। वो चलिए अब मैं बना लेती हूँ। और बच्चों के पापा गए हैं बाहर, बोला था कि जल्दी आ जाना, खाना खा लेना, गरम गरम ही अच्छी लगती है। और अब मैं फटाफट बना लेती हूँ। और पता है मैं आज गई थी बुढ़ाने, जो मैंने कोथली पे सूट पुचाई थी ना आरती के, तो वो अस्तर वाले थे, तो इसी वजह से अस्तर वाले की मतलब कि आरती कहने लगी कि भाभी ये अस्तर वाले सूट है ना, मैं इनसे ना छक गई, तो ये बदल के दूसरे कॉटन में ले आना। तो मैं आज बुढ़ाने गई थी, मैं बदल के लेके आई और 2 सूट एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, क्योंकि ताऊ जी की लड़की आ रही है, वो लेके आई है बच्चों के कपड़े, तो उन्हें भी मुझे 2 सूट देने हैं। आपको दिखाऊंगी कैसे लेके आई हूँ, रात के टाइम दिखाऊंगी जब मैं खाना खा लूंगी, बैठ जाएंगी आराम से फ्री होके, जब मैं दिखाऊंगी आपको। बेटा खा ले, कैसे लेटगी? बस ज्यादा तो बच रही नहीं, 3-4 पूरी और बनेगी और मेरा खाना बनाने का काम खत्म हो जाएगा। और फिर खाना खा के बहुत काम वैसा भी फैलता है दूध का, मुझे सबसे बड़ा दूध का काम लगता है। जब होता है ना कि सोने से पहले दूध देना पड़ता है, पहले तो दूध मीठा करो, फिर उसे एक जग में लिटा के अंदर करूंगी, फिर भी बर्तन भिगोने जो भी गंदे झूठे होंगे मैं साफ करूंगी। अब फिलहाल तो आज मेरे बर्तन इतने नहीं हुए, क्योंकि मैंने बीच बीच में बर्तन साफ करती रही, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा बर्तन हो जाते हैं। अचानक से ही बना, चल आलू की कचौड़ी बना लो, बनाने को कुछ ऐसा खास इन दिनों मिलता नहीं, कड़ी नहीं बना सकती क्योंकि अभी तबीयत ठीक ही हुई है, कड़ी खा के कभी दोबारा पलट जाऊं। मेरी भी और हनी भी और हनी के पापा की भी जुकाम खांसी चल रहा ना, तो इसी वजह से मैंने कड़ी नहीं बनाई, कड़ी को बहुत मन कर रहा था। और बच्चों की यूनिफॉर्म है, कल सैटरडे है, उनके व्हाइट ड्रेस पहन के जाएंगे, तो उनपे भी प्रेस करनी है सोने से पहले। बहुत काम होता है जो सोने से पहले होता है, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। सोचती हूँ कि कभी ऐसा हनी बड़ी हो जाएगी तो मैं सुबह से लगूंगी और शाम तक रूटीन जो हमारा होता है वो मैं आपको सबको दिखा पाऊं, कोशिश यही रहेगी मेरी।
अभी अभी मैंने ना बीच में ही खाना बनाती नहीं, बीच में हनी को दवाई भी दी है। अब देखिए ये काम होता है मेरे साथ में। अब इसे छोड़ के बीच में मैंने दवाई याद आई, ओहो हनी दवाई भी ना रह गई, और हनी की भी और मीठी की भी, दोनों की बहनों की दवाई चल रही। तो मिष्टी तो खुद से लेती है, हनी को दे लेती है। और चाहिए क्या? तो वापस लेके आना रखे। देखिए मिष्टी में दो कचोरी दे खाई दिया, मिष्टी ने एक भी ढंग से नहीं खाई। वो ऐसे खाना खाते हैं, तभी तो ऐसी है। उसकी भूख की तो दवाई चल रही है, लीवर की, लीवर में कुछ दिक्कत ऐसी है, उसे भूख नहीं लगती। गर्मियों के मौसम में तो किचन में काम करना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत मुश्किल होती है। सोने से पहले नहाना भी है क्योंकि गर्मी लगती है। और आलू की कचौड़ी कभी कभी फूल भी जाती है। मेरी कचौड़ी तो अधिकतर आलू की भी हो तो फूल ही जाती है। तो ये हो गई हमारी पूरी गरम गरम। मिक्की को है अधिकतर सबसे ज्यादा शौक, चटपटा तला भुना हुआ मिक्की को बहुत शौक है। कभी वही टाइम कह देता है मम्मी ये बना लो, और बच्चों का है बनाना पड़ता है। जो नहीं बनाती तो अपने आप का ही जी दुखता है कि बच्चे ने फरमाइश की है उन्हें बना नहीं पाए। अनी पता नहीं क्या कर रही है अपने भैया के साथ। क्या हो गया? खाई नहीं? अच्छा ये मिष्टी ने खाई नहीं, चलिए तो खा ले। क्या हुआ? खाया ये देखिए, मैंने ना इसे दवाई दी थी तो ये ना मुंह में तो डाल लेती है, वापस कुल्ला कर देती है। तो ये है ना इसके गले पे जो पीला पीला, ये दवाई है, खा ले। ठीक है ये पूरी बच गई। मुझे ऐसा लग रहा कि पूरी मैंने ज्यादा ही बना दी, और अपने उसमें बहुत थोड़ा करा था, अट्टा भी और पिट्ठी भी। पिट्ठी तो दो की बजे अट्टा बच जाएगा, पर अट्टा मैं सारा बना दूंगी क्योंकि रात को अट्टा गूंदा हुआ नहीं रखती।